हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के 10 खूबसूरत रेल मार्ग के बारे में। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स में समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भारत के ऐसे सुंदर रेल मार्ग जिनमें प्रकृति का सौंदर्य बसता है, कैसा होगा अगर आपको आपके रोज़मर्रा के स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से थोड़ी आज़ादी मिले और आपको एक खूबसूरत रेल यात्रा पर जाने का मौका मिले। आपको इनका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं भारतीय रेलवे के 10 सबसे खूबसूरत सफ़र के बारे में। फर्स्ट है कोंकण रेलवे। यह रेल मुंबई से मैंगलोर के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। यह भारत में निर्माण सबसे कठिन रेल मार्ग है। कोंकण रेलवे 3 राज्यों कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ती है। ये पहाड़ों, नदियों, खेतों, सुरंगों और फूल आदि से भरे खूबसूरत क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसमें कई पुल और सुरंगें हैं जो देश के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक हैं। सेकंड है नीलगिरी। नीलगिरी एक्सप्रेस एक लोकप्रिय और एकमात्र टॉय ट्रेन है जो इन भारतीय रेलवे के प्राकृतिक मार्गों पर चलती है। इनमें मेट्रोपोलायम से ऊटी तक 46 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस मार्ग पर 16 सुरंग, 208 कर्व मोड और 250 पुल पार करती है। थर्ड है तमिलनाडु रामेश्वरम। तमिलनाडु से रामेश्वरम तक 407 किलोमीटर की दूरी है जिसे तय करने में आपको समय लगता है और उस समय में आप इनके बीच के रास्ते का लुत्फ उठाते हैं। इसे महासागर की घुसपैठ यात्रा से भी जाना जाता है। फोर्थ है कर्जत लोनावला। कर्जत से लोनावला के बीच 28 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन के रूप में कर्जत जगह से गुजरती है। ये उतार पश्चिमी घाटों के इलाकों से चली जाती है। बंदर हिल की चढ़ाई यात्रा से पहले ट्रेन ठाकुरवाड़ी गांव के माध्यम से क्रिस क्रॉस में खंडाला से गुजरती है। कर्जत रेल शुरू होते ही खंडाला से होकर लोनावला तक पहुंचती है। फिफ्थ है टॉय ट्रेन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे भारत के सबसे पुराने रेलवे में से एक है जो 1880 के आसपास बनाया गया था। इस रेलवे में नई जलपाईगुड़ी से 88 किलोमीटर की दूरी तय होती है और पूरे दौरे में 12 स्टेशनों के साथ दार्जिलिंग में समाप्त होती है। ट्रेनें मुख्य रूप से दिन में ही निर्धारित की जाती है। सिक्स्थ है कालका शिमला। यदि आप सुरमई घाटियों, खड़े रास्ते और धुंधले मैदानों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन से शिमला की यात्रा कर सकते हैं। यूनेस्को द्वारा अब विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाने वाला ये छोटी टॉय ट्रेन कालका से शुरू होती है और 102 सुरंगों के माध्यम से 96 किलोमीटर की ऊपरी यात्रा करती है। सेवंथ है निलंबूर शोरनूर। निलंबूर दक्षिण रेलवे के नियंत्रण में शोरनूर रेलवे लाइन केरल में सबसे कम ब्रांडगेज रेलवे लाइनों में से एक है जिसमें 46 किलोमीटर का एक ट्रैक है। कई यात्री ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेन वर्तमान में इस सुरमई और पर्यावरण पर संचालित होती है। एथे कश्मीर रेलवे। कश्मीर रेलवे भारत की सबसे खूबसूरत रेलवे लाइनों में से एक है जो 20 सुरंगों और हिमालयों पर 100 पुलों से गुजरती है, जो सबसे ऊंचे भारतीय रेलवे पुल निर्माणाधीन का मेजबान भी करती है। कश्मीर रेलवे लाइन भारतीय रेल प्रणाली की सबसे चुनौतीपूर्ण रेल परियोजना है जो ठंड के अत्यधिक तापमान में प्रमुख भूकंप क्षेत्र, उच्च ऊंचाई पर्वत पास और इलाकों को पार करती है। नाइन्थ है जोधपुर जैसलमेर। जोधपुर से जैसलमेर में लगभग 285 किलोमीटर की दूरी है। द डेजर्ट क्वीन एक विशिष्ट पर्यटक टूरिस्ट रेल है। यह प्रतापी रेल राजस्थान में दौड़ती है और वहां के हर संस्कृति को दर्शाती है, जैसे रेगिस्तान की खूबसूरत मिट्टी, ऊंट, जैसलमेर का किला, बाजार, पुरानी हवेलियां और वहां के लोगों का रहन सहन का तरीका, मेहरानगढ़ का किला तथा इत्यादि। टेंथ है कोरापुट रायगढ़। कोरापुट रायगढ़ लाइन या लोकप्रिय केआर लाइन रेलवे लाइन एक ब्रांच है। रायगढ़ रेलवे लाइन के कोरा रूट अधेरे घने जंगल और पानी गिरने वाली घाटियों से गुजरती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।